पुलिस पर फायरिंग के मामले में आईजी ने आरोपियों पर 30,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया है। वहीं इस मामले को लेकर डीआईजी मनोज कुमार सिंह भी नीमच पहुंचे और वरिष्ठ अधिकारियों से पूरे मामले की जानकारी ली। उन्होंने जेतपुरा पंटे पर मौका मुआयना भी किया। वहीं डीआईजी ने एक बड़ी बात यह कही कि वहां पर पल्सर बाइक से कोई नहीं आया था। रात को गोलीकांड के बाद से ही ये बात सुर्खियां बटोर रही थी कि दो बदमाश पल्सर पर बैठ कर आए और आरोपियों को छुड़ा कर ले गए, लेकिन डीआईजी ने इस बात से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि राजस्थान पुलिस ने भी एफआईआर में यही लिखा है कि पल्सर पर कोई नहीं आया था। पुलिस के साथ बैठे आरोपियों और दोनों में झड़प हुई थी, जिसमें से एक आरोपी ने एसआई की रिवॉल्वर छीन कर गोली मार दी थी और भाग गए थे। पुलिस पर फायरिंग के मामले में रतलाम रेंज के डीआईजी मनोज कुमार सिंह भी नीमच पहुंचे और एसपी एएसपी से पूरे मामले की जानकारी ली। मामले में एमपी राजस्थान की 15 पुलिस टीमें बनाकर बदमाशों की तलाश में भेजी है। टीमें लगातार आरोपियों की धरपकड़ के लिए सघन तलाशी अभियान में जुटी है। वहीं आईजी ने बदमाशों पर 30,000 रुपये का इनाम भी घोषित कर दिया है। इधर डीआईजी मनोज कुमार सिंह के नीमच पहुँचते ही कहानी में ट्विस्ट आ गया है, जहाँ बुधवार रात तक आरोपियों को छुड़ाने के लिए पल्सर बाइक पर दो बदमाशों के आने की बात कही जा रही थी। वहीं अब डीआईजी मनोज कुमार सिंह ने इस बात से साफ इनकार कर दिया है। डीआईजी ने कहा कि पल्सर बाइक से कोई नहीं आया था। राजस्थान पुलिस ने भी एफआईआर में यही लिखा है। कार में बैठे आरोपियों और पुलिस के बीच ही झड़प हुई, उसमें से एक आरोपी ने एसआई की रिवॉल्वर छीन कर गोली मार दी थी और वहां से सभी भाग निकले थे। पुलिस और आरोपियों की झड़प में एसआई पर हुई फायरिंग मामले में सुबह तक जेतपुरा फंटे पर पुलिस की हिरासत से आरोपियों को छुड़ाने के लिए पल्सर बाइक पर दो बदमाशों के आने की बात चर्चाओं में थी। पुलिस अधिकारियों ने ही इस बात की पुष्टि की थी कि जेतपुरा फंटे पर दो बदमाश पल्सर पर आए और पुलिस की स्कॉर्पियो को ओवरटेक कर रोका और उनसे झड़प हुई, लेकिन डीआईजी मनोज कुमार सिंह ने इस बात से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि पल्सर से कोई नहीं आया था। ऐसे में बड़ा सवाल यह खड़ा हो रहा है कि क्या पुलिस अपनी नाकामी को छुपाने के लिए पल्सर पर आए बदमाशों को इस मामले से बाहर कर रही है। वहीं एक सवाल ये भी है कि जब जेतपुरा फंटे पर कोई नहीं आया तो पुलिस का वाहन फंटे पर क्यों रोका गया? आरोपियों के हाथों में हथकड़ी थी या नहीं? ऐसे कई अनसुलझे सवाल इस मामले में पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर उठ रहे हैं। घटनास्थल का निरीक्षण मेरे द्वारा भी किया गया है और राजस्थान पुलिस ने भी एफआईआर में यही लिखा है कि ऐसी कोई घटना नहीं घटी है, पल्सर से कोई आरोपी नहीं है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में 5 जून की रात 3 भेस, मोबाइल और कैश लूट की वारदात हुई थी। इसकी शिकायत ज्ञान सिंह गुर्जर ने निम्बाहेड़ा सदर थाने में की थी। लूटे गए मोबाइल की लोकेशन ट्रेस करते हुए बुधवार को राजस्थान पुलिस मंदसौर के पिपलिया मंडी पहुंची। यहां से पुलिस ने लखन पिता राजू बावरी निवासी पिपलिया पंथ, नरेंद्र पिता गोवर्धन बावरी निवासी ग्राम सोखड़ी और दीपक पिता नाहर सिंह बावरी निवासी उमरिया थाना पिपलिया मंडी को हिरासत में लिया। प्राइवेट स्कॉर्पियो से पुलिस आरोपियों को लेकर राजस्थान लौट रही थी। इसी दौरान पुलिस पर हमला हो गया। इसमें एक एसआई नानू राम गहलोत को उन्हीं की पिस्तल छीनकर आरोपी ने उनकी जांघ पर गोली मार दी, वहीं एक आरक्षक का हाथ तोड़ दिया था। इस संबंध में रतलाम रेंज डीआईजी मनोज कुमार सिंह रात में ही नीमच पहुंच गए थे। जून को चित्तौड़गढ़ में एक लूट की घटना हुई थी, इसमें 3 भैंस और एक गाड़ी लूटकर कुछ अपराधी इधर आए थे और उसी के विवेचना के सिलसिले में चित्तौड़गढ़ से निम्बाहेड़ा की पुलिस का बल आया हुआ था और उन्होंने मल्हारगढ़ एरिया में कुछ जगह रेड किए और 3 आरोपियों को अभिरक्षा में लिया था। 3 आरोपियों को अभिरक्षा में लेने के बाद से वे गाड़ी से जा रहे थे तो जेतपुरा फंटे के पास जो है आरोपियों ने राजस्थान पुलिस पर अटैक कर दिया और उनके रिवॉल्वर और एक 12 बोर की गन को छीन लिया और उससे फायर किए, जिसमें उनके एएसआई गहलोत को कुछ चोट लगी है और उसके बाद से वो वहाँ से फरार हो गए हैं। इस घटना के बाद से नीमच पुलिस ने और बाकी सभी इन लोगों ने मिलकर काफ़ी सर्चिंग शुरू की है और हमारी लगभग 15 पार्टियां बनी हुई है, पूरे जंगल में सर्चिंग की जा रही है। शीघ्र ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आईजी महोदय उज्जैन द्वारा आरोपियों पर 30,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया है। इन आरोपियों पर 2 आरोपियों पर रेप और लूट का मामला दर्ज है, 1 आरोपी पर एक और मामला दर्ज है और इसके अलावा और शेष आरोपियों की तलाश की जा रही है। ज्वाइंट सर्चिंग चल रही है, प्रतापगढ़ के एरिया में भी हम लोग सर्चिंग कर रहे हैं और आगे से ऐसी घटना नहीं हो इसके लिए ठोस रणनीति बनाई जाएगी।